होती है। इस्लामाबाद से इमराना कोमल की रिपोर्ट। घरेलू झगड़े कबूल कबूल कहने वाले नापसंदीदा लफ्ज के ख्वाहां, एतमाद और भरोसे का रिश्ता टूटने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान में तलाक की शरह में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा देखा जा रहा है। अदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में तलाक याफ्ता खवातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 5 साल में तलाक की शरह में 35% इजाफा देखा गया। समाजी माशी और नफसियाती दबाव या फिर घुटनज़दा माहौल या ना इत्तफाकी, वजह कोई भी हो, माहिरीन का मानना है कि खुला तलाक खानदानी निज़ाम की कमजोरी जाहिर करता है। बड़े सालसी बने तो ये शरह बहुत हद तक कम हो सकती है। आप इतना कपल के लिए अरेंजमेंट्स करें कि वो एक तो इनकी इंडिपेंडेंट प्रेजिडेंस हो, बेशक ये नहीं कि वो एक अलग घर ले लें, लड़की का जो किचन है वो अलग होना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान होता है ना माशरे में, जो सोसाइटी में, वो उनके बच्चे तबाह हो जाते हैं। मियां बीवी ना दोनों गाड़ी के पीछे होते हैं। इस्लामाबाद में तनाजात के हल की मसालहती कौंसिल भी अपना किरदार अदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की वकील शीरिंग के मुताबिक कौंसल की वजह से अब तक 40% घर टूटने से बच गए। तलाकों की बढ़ती हुई शरह की असल वजह जो है ना, पार्टीज में टॉलरेंस का ना होना है, कुव्वत बर्दाश्त का कम होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मियां बीवी को एक लिबास का है कि एक दूसरे का, उन्होंने आप एक दूसरे की हर बात को देखना है, समझना है। माशरे में खानदानी निजाम बुनियादी इकाई है। मियां बीवी भी तहम्मुल और मामला फहमी से रिश्तों में पड़ने वाली दरारों को खत्म कर सकते हैं। तलाक सिर्फ मियां बीवी के दरमियान अलहदगी का नाम नहीं, बल्कि इससे आने वाली नस्लें भी मुतासिर होती हैं। कैमरामैन मुजम्मिल अली के साथ इमराना कोमल, आज न्यूज़ इस्लामाबाद।